क्या हाल चाल गाइस। अच्छा ये हमारे पास जो चीज़ है वो ये है कि ये एक मक्खन है और हमें क्या करना है इसको पिघलाना है। तो जब मैं मोबाइल को इधर उधर करता हूँ और हिलाता हूँ मोबाइल को, आप देख सकते हो ये पिघल रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको पूरे को कोई की जगह लगाना है और ये पिघल जाएगा अच्छे से। ठीक है, इसको ये पिघल रहा है, आप देखो ये देखो कितना अच्छा सा पिघल रहा है। मैं मोबाइल हिला रहा हूँ और ओए तेरी के अंदर भी आ गए इसके ऊपर। अब क्या करना है, अंडे को भी हिलाना है। वाह अभी हम क्या पकाए, हम अंडा पकाए और दोबारा हमने मक्खन लिया है और मक्खन को अच्छे से हमने इधर उधर लगा लिया ताकि अंडा इसके ऊपर आ जाए। और मोबाइल हिलाने से भी इधर उधर मक्खन जा रहा है, लेकिन अब अंडे को पकाना है तो अंडा पक रहा है तो अंडे को पकने दो। और इसको मैं सीधा करता हूँ, अंडा टेढ़ा मेरा हो जाए। अच्छा जी, तो अंडे को पकड़ के रखो ताकि अंडा पक जाए अच्छे से, और जब अंडा पक जाएगा तो हम उसको पक गया तो दोबारा मक्खन आ गए। दोबारा हम अंडे को पकाते हैं और काफ़ी अच्छे से अंडा ये पक रहा है और मक्खन है और ये अच्छे से अंडा अब इसके ऊपर आ जाएगा। और देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा था, पूरा मक्खन लग गए और ऊपर से हमारे पास अंडा गिर गया। तो अंडे को पकाते हैं। पकाने के लिए आपके पास, मैं तो हाथ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपने क्या करना है किसी चम्मच से अंडे को ऐसे ऐसे हिलाते जाओ हिलाते जाओ हिलाते जाओ हिलाते जाओ और आपका अंडा पक जाएगा। कैसा, वाह अंडा पक गया। और ऐसे ही हमने इसको क्या करना है, हमें इसको भी तरीके का ऐसे घुमाना नहीं होता, इसको आराम आराम से हमें ऐसे ऐसे करना होता है ताकि ये अच्छे से पिघल जाए। और जब ये पिघल जाता है तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, अब अंडा भी आ गया और अंडे को भी हमने इधर उधर करना है और गोल गोल घुमाना है। ठीक है, कितना अच्छा सा गोल गोल घुमाया है ना। वाओ, इसी बार में लाइक और सब्सक्राइब कर लो। टाटा बाय बाय।